वेलकम एवरीवन। यहाँ पर लिस्ट है हमारे पास बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल बीएससी एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज 2020 के लिए जो सिलेक्शन लिस्ट हुई थी। तो कट ऑफ क्या रहा था, ये जो लिस्ट है ये 18th of December 2020 की है। तो यहाँ पर कट ऑफ क्या रहा हम यहाँ पर देखेंगे। बीएससी नर्सिंग के लिए कितने रैंक तक, क्योंकि रैंक वाइज जो है वो यहाँ पर सिलेक्शन हुई थी यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अलग अलग कॉलेजेस हैं, अलग कॉलेजेस में यहाँ पर जो है वो बीएससी नर्सिंग के लिए सिलेक्शनें हुई थी कैंडिडेट्स की, ठीक है ना। तो बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर जम्मू में ओपन मेरिट के लिए 337 रैंक तक, ठीक है ना। हम यहाँ पर रैंक वाइज देखेंगे फाइनली कहाँ तक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिली है, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत सारी काउंसलिंग होती थी जो सीट्स वैकेंट रहती थी, फिर आगे दोबारा से नोटिस आता था नेक्स्ट रैंक के लिए, तो इस तरह से एक प्रोसेस था। तो ये एक हम सिर्फ यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने रैंक अगर आपका होगा जो आपका, क्योंकि एग्ज़ाम इस बार आने वाला है, तो आपको कितना रैंक लाना पड़ेगा अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो, या फिर प्राइवेट कॉलेज चाहिए तब भी, ठीक है ना। अब यहाँ पर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गंग्याल जम्मू की बात करें तो 440 रैंक तक ओपन मेरिट के लिए यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन मिली है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर जो बीबी हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग है यहाँ पर 446। हम देखेंगे लास्ट बीएससी नर्सिंग के लिए जो लास्ट कितने स्कोर पर, कितने रैंक पर मतलब जो है वो कॉलेजेस अलाट हुए, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स चल रहा है अभी बीएससी नर्सिंग के लिए। तो इस बार भी एंट्रेंस होने वाला सितंबर में, तो वहाँ से कितना आपको लगभग कितने रैंक तक आप को कॉलेज अलाट हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम चलें तो यहाँ पर नर्सिंग मिल रही, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए ये देखिए आप लास्ट क्या कट ऑफ रहा बीएससी नर्सिंग के लिए। यहाँ पर हम देखें तो कैटेगरी एससी के लिए रैंक 3671 पे बीएससी नर्सिंग मिला है, और यहाँ पर साउथ कैंपस कॉलेज ऑफ नर्सिंग अनंतनाग कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद 3613 रैंक पर बीएससी नर्सिंग बाबू गुलाम शाह बादशाह जो यूनिवर्सिटी है जम्मू में, उसके लिए वुमन कॉलेज है ये एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर हम पीएसपी कैटेगरी की बात करें तो रैंक अप टू 3368 यहाँ पर जो है ये कॉलेज मिला है इनको। तो आप देख सकते हैं कि 3383 रैंक तक भी बीएससी नर्सिंग मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज बारामूला मिला है यहाँ पर एसटी को 3356 रैंक पर, ओके। अब पीएसपी एससी और एसटी ये तीनों जो है वो कैटेगरी कंप्लीट हो गया। आप एक बार फिर से देख लीजिए, एससी के लिए 3671 रैंक एंड एसटी के लिए 3591 और पीएसपी के लिए 3383 रैंक पर बीएससी नर्सिंग मिला है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर और कैटेगरी हम देखें, ओपन मेरिट के लिए 2612 पर बीएससी नर्सिंग मिला है, ठीक है, जो कि बाबू गुलाम शाह बादशाह नर्सिंग कॉलेज है, ओके। आरबीए के लिए 2576 रैंक तक बीएससी नर्सिंग मिला है इनको, ठीक है ना, बाबू गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है वहाँ पर। तो एसटी एससी आरबीए और ओपन मेरिट का आपने देख लिया, क्या कट ऑफ हम इसको मान सकते हैं, कट ऑफ है ये, इतने रैंक पर बीएससी नर्सिंग अलाट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एएलसी की, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2511, एएलसी की बात करें 2508 पर यहाँ पर अलाट हुए हैं कॉलेजेस, ओके। सो ये सिलेक्शन लिस्ट थी बीएससी नर्सिंग के लिए, जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस बार एंट्रेंस देने वाले उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये। बाकी कैटेगरीज यहाँ पर जो है वो मेन यही कैटेगरीज़ हैं, तो एसटी एससी आरबीए एएलसी, ओके।
तो इनको आपको पता चल गया आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको क्लियरली मतलब यहाँ पर आपको कट ऑफ का पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो लैब टेक्नोलॉजी जैसे हो गया न्यूरो साइंस टेक्नोलॉजी बीएससी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी बीएससी, रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, एनएस बीएससी एनेस्थेशिया टेक्नोलॉजी, तो इस तरह के कोर्सेज हैं जो कैंडिडेट्स पूछते हैं। बीएससी फिजियोथेरेपी, ओके, तो ये बहुत सारे कोर्सेज हैं अलग अलग। हम इसके लिए कट ऑफ देख लेते हैं क्या कट ऑफ रहा, कितने रैंक पर, ठीक है ना, अलाट हुए हैं ये कोर्सेज। ये अलग अलग से जो है वो लिस्ट है। हम फाइनल लास्ट यहाँ पर देखेंगे जो बीएससी एनेस्थेशिया क्रिटिकल केयर एंड ऑपरेशन थिएटर स्कीम 16 की बात करें तो इसका एसटी के लिए 3010 रैंक पर ये कोर्स अलाट हुआ है। पीएसबी कैटेगरी 2941 पे बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, सीडीपी के लिए 1642 बीएससी एनेस्थेशिया, एसटी के लिए 1170 बीएससी एनेस्थेशिया स्कीम 16 में, ओएससी के लिए बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए 816 रैंक तक स्कीम 16 में एडमिशन मिली है। एसटी के लिए 579 रैंक, आरबीए के लिए 366 रैंक रहा बीएससी रेडिएशन टेक्नोलॉजी के लिए। ओके, तो इस तरह से आप ये लिस्ट अगर डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ कट ऑफ रहा, यहाँ से आप गेस कर सकते हैं आपको कितना स्कोर लाना होगा, कितना रैंक होना चाहिए आपका अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए किसी भी कोर्सेज में, ठीक है। सो ये आपको देखना है, समझना और तैयारी करनी। ये लास्ट टाइम जो है आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं, आप अच्छी प्रिपरेशन अपने कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। मेरी तरफ से आप सबके लिए बेस्ट विशेस। आज स्कॉस्ट का भी पेपर है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बेस्ट विशेस। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हमसे जुड़ सके तो यहाँ पर उनकी भी थोड़ी बहुत अगर हेल्प हो रही है तो वो हो सके, ठीक है। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड बी हैप्पी।